केंद्रीय विद्यालय में होने वाली प्रार्थना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रार्थना क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने ये नोटिस एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। केंद्र से जवाब मांगते हुए सर्वोच्च न्यायालय में ये कहा गया है कि यह एक गंभीर संवैधानिक मामला है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि केंद्र विद्यालय में होने वाली हिंदी प्रार्थना हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही है। इन प्रार्थनाओं में संस्कृत के शब्द भी आते हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में ऐसा नहीं होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 के खिलाफ है और इसे इजाजत नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि सरकारी मदद से चलने वाले विद्यालयों में एक खास धर्म को बढ़ावा देने वाली प्रार्थना पर रोक लगनी चाहिए। NMF न्यूज की रिपोर्ट।